Children, most welcome to this online class, class 4, subject science, lesson 9, safe handling and storage of water. And today's topic, purification of water. Children, today we are going to learn about the different types of, different methods of purification of water. So ready for that? Listen carefully and learn all these points. So children, these are the different three methods today we are going to learn. Method of purification of water. Number one, boiling. Number second, filtration. And number third, chlorination. These are three methods we can purify the water: by boiling, filtration, and the chlorination. Come on. So children, we will learn one by one. Let us learn some methods of purification of water. Number one method, boiling. जो हम water boil करते हैं, okay? The most common method of purifying water is boiling. Boiling kills the germs present in water. क्यों boiling करते हैं? Boiling करने से एक special temperature पे वो जो germs होते हैं वो kill हो जाते हैं, मर जाते हैं, and it's good to drink that water. Okay, so boiling is the best method and it's simple method to kill the germs present in water. Now children, second method, filtration. We can filter water through a clean thin cloth. We can also use a traditional filter containing sand and gravel. Filtration remove dust and other suspended particle from water. देखो, ये जो बॉइलिंग करके हम जर्म्स किल कर सकते हैं और वो भी पानी पीने लायक होता है. एंड सेकंड मेथड है फिल्ट्रेशन. इसमें सिंपल थिन क्लीन जो क्लोथ होता है उससे हम, ये ट्रेडिशनल मेथड है, फिल्टर कर सकते हैं. और एक ट्रेडिशनल फिल्टर मिलता है जो कि यहाँ पे नोट डाउन किया है कि वी कैन ऑल्सो यूज अ ट्रेडिशनल फिल्टर कंटेनिंग सैंड एंड ग्रेवल. आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड. तो उस तरह से भी हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. बट क्या होता है ना कि दिस प्रोसेस ओनली रिमूव डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम वाटर. पर ये एक प्रॉब्लम इसमें है. सी, हाउएवर दिस मेथड डज नॉट रिमूव जर्म्स. इसमें जर्म्स रिमूव नहीं होते, किल नहीं होते हैं. ओके, फॉर रिमूविंग जर्म्स वाटर शुड बी बॉइल्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन. पानी छानने के बाद, कपड़े से पानी छानने के बाद जर्म्स रिमूव नहीं होते, तो उसके लिए हमें बॉइलिंग मेथड यूज करने पड़ते हैं, बॉइल करना पड़ता है फिल्ट्रेशन के बाद. सो ये प्रोसेस जो है थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल से, सिंपल तो है पर डबल मेहनत होती है ना. बट उसके लिए भी उपाय है. कौन सा वो देखेंगे. फिल्ट्रेशन सेकंड कंटिन्यू. Children, nowadays many types of modern filters are available in the market. है ना भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका यूज तो हम करेंगे. आजकल घर घर में आप फिल्टर दिखाई देता है आजकल आप सबको. एंड दीज फिल्टर्स नॉट ओनली रिमूव द डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वॉटर बट ऑल्सो रिमूव जर्म्स. है ना, आजकल के एक फिल्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं. हम ट्रेडिशनल फिल्टर, देखो ये स्लाइड पे आपके राइट हैंड साइड पे ट्रेडिशनल फिल्टर है और यहाँ पे मॉडर्न फिल्टर है. आजकल हम मॉडर्न फिल्टर यूज करते हैं ना, बहुत पहले से यहाँ पे, अभी तो ज़्यादा घर घर में है. तो इसका ये एक फायदा है कि ये जर्म्स रिमूव करता है, किल करता है जर्म्स को. तो सिर्फ डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं निकालता, तो साथ में जो जर्म्स होते हैं उसमें वो भी रिमूव करता है. इतनी कैपेसिटी उसमें है. सो वाटर फिल्टर बाय सच फिल्टर कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग. और हम पानी नल खोल के टैप से वो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं. तो ये इसका एक एडवांटेज है, तो हमें वो एडवांटेज उठानी चाहिए, है ना. सो दिस पिक्चर ट्रेडिशनल फिल्टर ऑन राइट साइड एंड दिस इज मॉडर्न फिल्टर ऑन योर लेफ्ट साइड. सी केयरफुली एंड ट्राई टू ड्रॉ दिस ट्रेडिशनल फिल्टर इन यूर रफबुक. प्रैक्टिस इट. ओके, सो प्योरिफाइंग वाटर, वन मेथड बॉइलिंग, सेकंड फिल्ट्रेशन एंड नाउ थर्ड क्लोरिनेशन.
See, in this chlorination, filtered water can also be purified by adding a correct small amount of chlorine in it. This kills germs and make it fit for drinking. देखो ये क्लोरीनेशन बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है और इससे वाटर एकदम हम प्योर हो जाता है, प्योरीफाई कर सकते हैं इसीलिए आसानी से. बट इसमें जो है ना एक करेक्ट अमाउंट में क्लोरीन डालना ज़रूरी है, नहीं तो ये अपने सेहत के लिए ठीक नहीं है. सी क्लोरीन इज अ ब्लीचिंग एजेंट, ध्यान में रखो क्लोरीन इज ब्लीचिंग एजेंट दैट्स यूज टू प्योरीफाई वाटर बट टू मच इज डेंजरस फॉर अस. देखो अगर ज़्यादा मात्रा में हम अगर वहाँ पे क्लोरीन ऐड करते हैं तो हमारे सेहत के लिए वो डेंजरस होता है. तो इसलिए करेक्ट अमाउंट में इसमें डालना बहुत ज़रूरी है एंड दिस किल्स जर्म्स एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. तो क्लोरीनेशन इज ऑल्सो गुड मेथड. तो फर्स्ट बॉइलिंग, सेकेंड फिल्ट्रेशन एंड थर्ड वन क्लोरीनेशन, थ्री प्योरीफाइंग वाटर मेथड हमने देख चुके हैं. चिल्ड्रन नाउ इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क. क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफर फॉर ड्रिंकिंग. राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सर्च आंसर इन योर बुक एंड राइट वेयर इन योर CW बुक. ओके, क्वेश्चन नंबर वन फिनिश एंड देन सेकंड, नेम थ्री मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is chlorination and how does it purify water. Question number 4, draw a well labeled diagram of traditional filter. So these four questions given on your slide, you have to see carefully and write down all these question in your CW book, question and answer also, not only question. Okay, write down both question and answer, you will get it very easy. ड्रॉ लेबल जो डायग्राम दी है वो अच्छे से ड्रॉ करना है और लेबलिंग वन साइड पे करना. ओके, और सेंटर पे डाउन साइड आप ट्रेडिशनल फिल्टर का नाम लिखेंगे. क्लियर? ओके चिल्ड्रन, कंप्लीट योर होमवर्क, राइट डाउन इन योर CW बुक, विदाउट फेल यू हैव टू डू इट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी. Bye.